मैं जब देखता हूँ ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, पता है लोग क्या मांग रहे हैं? कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए, यही चीजें मांगते हैं हम। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। ध्यान से पकड़ना आप जो मैं बोलने वाला हूं। हो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे जाए नहीं, यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हों लेकिन दुख ना आया हो, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आई हो, जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आया हो, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना हो, या उसके घर में कोई ना मरा हो, है कोई एक भी ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो, दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो, ये मांग रहे हैं। पॉसिबल है? कोई भी गुरु ऐसा कर सकता है? जिस गुरु से जाकर के हम ये चीजें मांग रहे हैं और वो हाथ हिला करके कह रहे हैं कृपा होगी कृपा होगी, पॉसिबल है? क्या कर रहा है वो? आपके डर का नाजायज फायदा उठा रहा है। और ऐसी हरकतें करने की वजह से हो क्या रहा है? ध्यान से पकड़ना जो मैं चीज बोलने वाला हूं, कि आप अटैच होते चले जा रहे हो अच्छे टाइम से और आपके अंदर डर बढ़ता ही चला जा रहा है बुरे टाइम। जब आप भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान मेरा अच्छा टाइम रहे, बुरा तो वर्ड बोलने में भी लोगों को डर लगता है मुंह से, क्योंकि मुंह से बुरा निकल गया और मुंह पर जबान पे आकर के सरस्वती बैठ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बुरा बोलने में भी डर लगता है कि भैया बुरा बोल दिया और मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया तो मेरा क्या होगा। डरे हुए हैं कि हे भगवान मेरा टाइम हमेशा अच्छा चलता रहे, बैकअप द माइंड क्या चल रहा है, कोई बुरा टाइम ना आए, बुरा टाइम ना आए, बुरा टाइम ना आए। मतलब हुआ क्या? अच्छे टाइम से अटैचमेंट हो गई और बुरे टाइम का डर बढ़ता ही चला जा रहा है। और दोनों ही चीजें परमानेंट नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं चलती, लाइफ ऐसे चलती है अच्छा टाइम आया बुरा टाइम आया, अच्छा टाइम आया बुरा टाइम आया, सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है, अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम। हम अटैच होते चले जा रहे हैं किससे? जो टेम्पररी है, जिसने जाना ही जाना है। मतलब के हम जाने अनजाने चिपक गए हैं एक ऐसी चीज से जिसको जाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मतलब कि अच्छा टाइम, और डर रहे हैं एक ऐसी चीज से जिसको आने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मतलब कि बुरा वक्त, जिसने आना ही आना है, नहीं रोका जा सकता। और क्या होगा जब वो बुरा टाइम आएगा ऐसे किसी इंसान का? क्या होगा? उसका दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसको दो चीजों का दुख होगा, एक का नहीं, पहला उसको दुख होगा दुख के आने का दुख, बुरे टाइम के आने का दुख, और दूसरा दुख उससे भी बड़ा अच्छे टाइम के जाने का सुख के जाने का दुख, कि वो दो साल पहले का टाइम बड़ा अच्छा था यार, वो स्कूल का टाइम बड़ा सही था, वो कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे। अबे मर गए हो क्या? क्या कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे? कैसी मरी हुई बातें कर रहे हो? मतलब वो दिन अच्छे थे, आज के दिन बुरे हैं? क्या बुरा है आज के दिन में? कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से, वो करने से जो कॉलेज के वक्त में भी आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो सब करने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं, आप खुद, आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर इस जाल को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका क्या रास्ता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है।
अगर आप करना चाहो तो, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं उससे क्या मांगता हूं, तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगना पड़ जाए आप लोगों के कहने पर कि भैया मांगो, कुछ ना कुछ मांगो, तो मैं जा करके मंदिर में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में जा करके उससे मांगूंगा कि हे भगवान, तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, और पूरे दिल से मांगूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर से आत्मा से मांगूंगा कि तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ में उस दर्द को सहने की ताकत भी दे। कि मैं डर करके भागू नहीं, कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चूहे की तरह। हम क्या करते हैं जब हम अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मांगते हैं, पता है हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी को नहीं देख रहे। हालत ऐसी हो जाती है जैसे एक चूहा अपने बिल में से निकल गया, आंखों पर काली पट्टी बांध करके, और अपने मनी मन सोच रहा हो कि अगर मैं बिल्ली को नहीं देख सकता तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख सकती। भाई बिल्ली तो आएगी आपको खाने के लिए, आंख पे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होने वाला, बुरा वक्त तो आएगा ही आएगा। तो क्या कर सकते हो? अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो या डर करके बिल में छुप सकते हो। तो मैंने क्या चूज किया? स्ट्रांग बनाना है। दे दे जितना दर्द देना है, इस पूरी दुनिया का दर्द देना है दे दे, साथ में शक्ति दे दियो, ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की। सहूंगा ना, क्या दिक्कत है, तू है ना मेरे साथ। इसको विश्वास बोलते हैं, इसको विश्वास बोलते हैं, तू है ना मेरे पीछे बैठा तो है, मुझे किस चीज की टेंशन है। दूसरी तरफ से दुख, मैं कहूंगा तुझे मुझे जितने दुख देने हैं दे दे, लेकिन उसके साथ में समझ दे दियो, बुद्धि दे दियो उन दुखों को समझने की। अब इस बात को ध्यान से पकड़ना जो मैं बोलने वाला हूं। दर्द को सहना पड़ता है, दुखों को सहना नहीं पड़ता, दुख को सिर्फ समझना पड़ता। दुख तब होता है जब हम सच को सच की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जैसे ये समझ आ जाती है कि दुख नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज है जो हो गई है, हो रही है, और उस चीज को हम एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, उसको दुख बोलते हैं। तो जो है ही नहीं उसको सहा कैसे जा सकता है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? उसको सिर्फ समझना है, सिर्फ इस दुनिया को अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ जाग करके चीजों को देखना है। और जब आप देखते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता है कि वो सारा का सारा दुख कहीं बाहर नहीं है, मैंने खुद ही अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। दर्द है, मतलब अगर इंग्लिश में एक लाइन में मैं बोलूं तो पेन इज इनएविटेबल। दर्द तो होगा भाई, सबको होगा, उसके लिए सहने के लिए ताकत चाहिए, बट सफरिंग इज ऑप्शनल।